G20 समिट की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग, पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की अगुवाई में बैठक, सभी यूनिट्स के ऑफिसर्स शामिल। बैठक में सभी रूट्स की सुरक्षा पर चर्चा, आतंकी हमले की आशंका और गड़बड़ी फैलाने वालों से निपटने पर मंथन। G20 मेहमानों के स्वागत की तैयारियां जोरों पे, भारत मंडपम में मूर्तियों से सजाया गया। मेहमानों के लिए भारत मंडपम में बनाया गया कल्चरल कॉरिडोर, G20 देशों के अलावा दूसरे कई देशों की कलाकृतियों को रखा गया। भारत मंडपम में G20 मेहमानों के स्वागत के लिए 28 फुट ऊंची लगाई जाएगी नटराज प्रतिमा, 19 टन होगा मूर्ति का वजन। G20 समिट को लेकर राजधानी दिल्ली को दिया जा रहा है भव्य स्वरूप, भारतीय इतिहास, पौराणिक कथा, कला और संस्कृति को भव्य चित्रों के माध्यम से किया जा रहा है प्रस्तुत। G20 शिखर सम्मेलन में रामायण और महाभारत की दिखेगी झलक, दीवारों पर पेंटिंग के जरिए रामायण की कहानी को किया जा रहा है चित्रित। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव की दीवारों पर बनाई गई मनमोहक पेंटिंग, राम सेतु पुल पार करने से लेकर रावण वध तक के दृश्य को दिखाया गया। पेंटिंग के माध्यम से पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत के युद्ध को भी दिखाया गया। भगवान श्री कृष्ण चित्र में अर्जुन को दे रहे हैं गीता का उपदेश। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को भी चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। शेषनाग पे भगवान विष्णु विराजमान करते दिखे, साथ में मां लक्ष्मी की भी भव्य पेंटिंग बनाई गई। G20 के चलते दिल्ली में 39 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रखने का आदेश वापस, 2 सितंबर को पुलिस ने जारी किया था आदेश, अब सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य सभी मेट्रो स्टेशन खुलेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर अस्पतालों में हाईटेक व्यवस्था, हाई अलर्ट पे रहेंगे 5 सरकारी और 3 प्राइवेट अस्पताल, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की विशेष टीमें गठित। G20 के वेलकम बोर्ड पे मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लगाए गए हो रिंग, चंद्रमा पे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग को दिखाया गया। G20 समिट को लेकर NDMC का क्विक रिस्पांस डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर तैयार, G20 समिट को सफल बनाने के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। प्रधानमंत्री आगामी 17 सितंबर को लॉन्च करेंगे विश्वकर्मा योजना, देश भर के 30 लाख कामगारों को होगा सीधा फायदा, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 13,000 करोड़ की योजना का ऐलान किया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सज गई कान्हा की नगरी, मथुरा मंदिर की भव्य तरीके से सजावट, इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर दिखेगी चंद्रयान 3 की झलक। साज सज्जा, ठाकुर जी की पोशाक और श्रृंगार आदि पे दिया जा रहा है विशेष ध्यान, प्रज्ञान और प्रभास की पोशाक में दिखेंगे ठाकुर जी, राधा कृष्ण की बड़ी पोशाक को तैयार करने में करीब 30 से 35 कारीगर जुटे। चंद्रमा प्रज्ञान का कटआउट भगवत भवन के द्वार पे लगेगा, सोने चांदी से निर्मित 100 किलोग्राम का कामधेनु गाय हरिद्वार के गंगा जल और गोमाता के दूध से लल्ला का अभिषेक करेगी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी, श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत देशभर में 7 सितंबर को मनाई जाएगी जन्माष्टमी, भक्तों के लिए सुबह 5:30 बजे से रात 1:30 बजे तक खुले रहेंगे कपाट। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देश भर में मनाया जाता है कृष्ण जन्मोत्सव, इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5,250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी। राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत का रक्षा मंत्री राजनाथ ने दावा किया, बोले मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कोई ताकत राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने से रोक नहीं सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा मंगलयान, चंद्रयान, सूर्यान की सफलता हुई और लॉन्चिंग सफल रही, लेकिन 20 सालों से राहुल यान की ना तो लॉन्चिंग हुई और ना ही लैंडिंग। सनातन धर्म को लेकर DMK के बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पे तंज, बोले राजनाथ, गहलोत, सोनिया, राहुल और खड़गे ने क्यों साधी है चुप्पी। उज्जैन के नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा को राजनाथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी, कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के कई दिग्गज नेता।
उमा भारती ने कहा, जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत में निमंत्रण नहीं मिला, अब दिया गया तो मैं नहीं जाऊंगी। उमा भारती का बयान, जिनके खून पसीने से बीजेपी बनी है, मैं उन लोगों में से हूं, पार्टी का कभी नुकसान नहीं करूंगी। सनातन पीर स्टालिन के बेटे उदय निधि के विवादित बयान पे आज भी सियासी बवाल। बयान से विपक्षी दलों का किनारा, बीजेपी का सवाल, क्या गठबंधन में डीएमके रहेगी साथ। रवि शंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी का पाखंड सामने है, घमंडिया संगठन की सोच हिंदू विरोधी। रविशंकर प्रसाद के सवाल पूछा, राहुल गांधी क्यों खामोश है, नीतीश कुमार तेजस्वी क्यों शांत हैं। शाह ने कहा, तुष्टीकरण के लिए कर रहे सनातन धर्म की बात, सनातन धर्म पर ऐसा बयान राजनीतिक फायदे के लिए। उदय निधि स्टालिन के विवादित बयान पे गृह मंत्री ने जोरदार पलटवार किया, कहा, दो दिन से आप इस देश का, यहां की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। उदय निधि स्टालिन के विवादित बयान पे बोले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, कहा, ये घमंडी गठबंधन की सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान पे बोले एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान, कहा, मुंबई में इंडिया की बैठक में सनातन धर्म के विरोध को लेकर बनी सहमति। कांग्रेस नेताओं से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का सवाल पूछा, क्या कांग्रेस ने मुंबई की बैठक में सनातन धर्म को खत्म करने का एजेंडा तैयार किया। प्रियांक खड़गे के स्टालिन प्रेम को लेकर बोले सीएम शिवराज, कहा, राहुल और सोनिया गांधी की मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है। सनातन धर्म पे दिए गए विवादित बयान पर उदय निधि स्टालिन की सफाई, कहा, मेरे बयान से कई लोगों के पेट में जलन। जयपुर में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जनसभा में मुफ्त बिजली का वादा किया, कहा, हम 300 यूनिट बिजली हर परिवार को देंगे, पुराने बिजली बिल माफ कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी पे केजरीवाल का तंज, कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कोई काम नहीं किया, वन नेशन वन इलेक्शन से हमें क्या मिलेगा, होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बोले एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव के बाद कहेंगे वन नेशन नो इलेक्शन तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। अयोध्या मंदिर के उद्घाटन से जुड़ी बड़ी खबर, मंदिर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को औपचारिक निमंत्रण देंगे यूपी के सीएम योगी, सूत्रों की खबर। सीएम योगी कल आएंगे दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर औपचारिक निमंत्रण देंगे। अयोध्या में रामलला मंदिर का भूतल और गर्भगृह बनकर तैयार, अगले साल जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हो सकता है कार्यक्रम। बनारस की तरह अयोध्या के सरयू में चलेगा क्रूज, 7 सितंबर को होगा उद्घाटन, एक बार में 125 लोग कर सकेंगे सवारी। प्राइवेट कंपनी अयोध्या के सरयू में चलाएगी क्रूज, अयोध्या नगर निगम में हुआ है करार। रूठे बादलों को बनाने के लिए उज्जैन में बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे सीएम शिवराज, विधि विधान से पूजा कर किया जलाभिषेक। मध्य प्रदेश में बारिश ना होने के चलते सूख रही है फसलें, सीएम ने की महाकाल से राज्य में अच्छी बारिश की कामना। अपनी फिल्म सुखी का पोस्टर लेकर शिरडी साई के दरबार में शिल्पा शेट्टी ने माथा टेका, फिल्म की कामयाबी के लिए प्रार्थना की। शिल्पा शेट्टी ने फिल्म के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी, 22 सितंबर को रिलीज हो रही है उनकी फिल्म सुखी। अमृतसर में अरविंद सिंह रिंकू ने हरमिंदर साहिब में मत्था टेका, हाईकोर्ट से पंचायतों के पक्ष में आए फैसले का शुक्राना किया। सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में लाल और राबड़ी देवी ने किए दर्शन, दोनों ने विधि विधान से किया बाबा का पूजन। लालू और राबड़ी देवी ने शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया, बाबा भोलेनाथ पे फूल भी चढ़ाए।
विकास कार्यों का जायजा लेने उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का अश्विनी वैष्णव ने दौरा किया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने नमन किया। केंद्रीय रेल मंत्री ने देखा रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट मॉडल। 354 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है पुनर्विकास का काम। दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीडीएस अनिल चौहान मौजूद रहे।